आज मैं लेकर आई हूँ एक ऐसी रेसिपी जिसे आप कुछ दिनों तक स्टोर कर सकते हैं और आप किसी भी चीज के साथ इसे खा सकते हैं और आप इसे झटपट बना सकते हैं। सामान भी इजीली अवेलेबल रहता है सबके किचन में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं हूँ पिंकी और आपका माई किचन में स्वागत है। तो प्याज की चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 4 प्याज लिया है, यानी कि अनियन, 2 सफेद वाले ली है और 2 लाल। आप चाहे तो कोई भी प्याज ले सकते हैं, चाहे आप सफेद ले लें या फिर लाल वाले ले लें। और प्याज को मैंने यहाँ पे लंबे टुकड़ों में कट कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने एक पैन को हीट होने को रख दिया था। पैन के हीट होते ही हम यहाँ पे डाल देंगे 1/4 कप सरसों का तेल। आप अपने पसंद की कोई भी तेल यूज कर सकते हैं। वैसे ये मस्टर्ड के तेल में चटनी बनती है तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तेल के गर्म होते ही अब हम यहाँ पर डाल देंगे 10 से 12 लहसुन की कलियाँ और फिर इसे सौते करेंगे। हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, बस हल्का सा इसे सौते करना है। थोड़ा सा पक जाने के बाद इस टाइम पे हम डाल देंगे प्याज और इसे भी हम थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक पकाएंगे, यानी कि प्याज के ट्रांसलूसेंट होने तक इसे फ्राई करेंगे। फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे। प्याज को हमें अच्छे से पकाना है ताकि इसका जो मॉइस्चर है वो अच्छे से निकल जाए और प्याज अच्छे से पक जाए। तो यहाँ पे हम प्याज का क्वांटिटी ज़्यादा लिए हैं लहसुन के कंपैरिजन, क्योंकि ये प्याज की चटनी है। प्याज यहाँ पे ट्रांसलूसेंट हो गया है, यानी कि प्याज जो है वो पारदर्शी दिखने लगा है, आप देख सकते हैं। तो इस टाइम पे हम यहाँ पे डाल देंगे इमली। तो मैंने यहाँ पे इमली के पल्प का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो खड़ी इमली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इमली की क्वांटिटी को ज़्यादा या कम कर सकते हैं। प्याज के ट्रांसलूसेंट होते ही हम यहाँ पे फ्लेम को कर देंगे लो, क्योंकि इस स्टेज पे आने के बाद प्याज जल्दी गलने लगता है। अब हम इमली को भी 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे प्याज के साथ। आप चाहें तो यहाँ पे इमली की जगह पे आमचूर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे 1 से 2 मिनट के लिए लो फ्लेम में फ्राई करेंगे। 1 से 2 मिनट के बाद अब ये अच्छे से फ्राई हो गया है, क्योंकि प्याज को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है। तो इस टाइम पे हम गैस स्टोव को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए एक तरफ रख देंगे। जब तक प्याज ठंडा होता है, आइए हम मसाला रेडी कर लेते हैं। अब एक दूसरा पैन लेंगे और उसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून के करीब साबुत धनिया, 1 टेबल स्पून के करीब सौंफ यानी कि फेनल सीड्स, साथ ही 1 छोटी चम्मच जीरा ले लेंगे। तो जीरा का इस्तेमाल हम बाद में भी करेंगे, इसलिए यहाँ पे कम जीरा लिया है मैंने। और इन सबको अच्छे से रोस्ट करेंगे। एक दो मिनट रोस्ट करने के बाद अब हम यहाँ पर डाल देंगे लाल मिर्च, क्योंकि लाल मिर्च में भी मॉइस्चराइज़र होता है, तो इसे भी हम रोस्ट कर लेंगे। मिर्च की क्वांटिटी आप घटा या बढ़ा सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली, और इसे फिर से रोस्ट करेंगे 1-2 मिनट के लिए। अब यहाँ पे बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी है, तो करीब 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। इस टाइम पे हम गैस स्टोव को बंद कर देंगे और यहाँ पे ऐड कर देंगे थोड़ा सा मेथी के दाने। मेथी के दाने से डाइजेशन अच्छा होता है और इसका फ्लेवर चटनी में आ जाए तो टेस्ट भी बढ़ा देता है। अब हम एक ग्राइंडर जार लेंगे और उसमें ट्रांसफ़र कर देंगे सूखे मसालों को। अब इसका हम कोर्स पाउडर बना लेंगे। हमें इसका फाइन पाउडर नहीं बनाना है, यानी कि दरदरा ही पीसना है। हमें इसे इतना ही पीसना है और अब हम इसको एक बोल में निकाल करके रख लेंगे। अब हम सेम जार लेंगे और उसमें डाल देंगे प्याज वाले मिक्सर को, क्योंकि प्याज वाला मिक्सर हमारा ठंडा हो चुका है। इसका हम फाइन पेस्ट बना लेंगे और इसको पीसने के लिए पानी की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे हो गया पेस्ट तैयार। और अब हम सेम पैन लेंगे जिसमें हमने प्याज को फ्राई किया था और उसे हीट करेंगे।
हिट जैसे ही होता है तब हम इसमें डाल देंगे 1.5 से 2 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल और इसे गर्म होने देंगे। अब ये चटनी की रेसिपी है जिसे हम स्टोर भी कर सकते हैं, इसलिए इसमें तेल थोड़ा ज़्यादा लगता है। तेल के गर्म होते ही अब हम यहाँ पर डाल देंगे 1 टीस्पून राई या फिर सरसों, साथ ही हम यहाँ पर डाल देंगे 1/4 छोटी चम्मच जीरा, 1 छोटी चम्मच उड़द की दाल। इससे चटनी का फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ा सा करी लिप्स, तो मैंने यहाँ पर ड्राई करी लिप्स का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो फ्रेश करी लिप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें जाएगा 1/4 छोटी चम्मच मंगरेला। अब हमें इन सबको थोड़ा अच्छे से पका लेना है। इसमें से खुशबू बहुत अच्छी आने लगी है। अब हम यहाँ पे फ्लेम को कर देंगे लो और डाल देंगे काश्मीरी लाल मिर्च, इससे चटनी का कलर बहुत बढ़िया आता है, और फ्लेम को लो करेंगे नहीं तो ये जलने लगेगी, और इसे मिक्स कर देंगे। काश्मीरी लाल मिर्च के डालते ही इसी टाइम पे हम डाल देंगे अनियन वाले पेस्ट को और फ्लेम को लो रखेंगे। अब इसे मिक्स करते हुए फ्राई करेंगे, तो हमें इसे कंटिन्यूअसली स्टर करते हुए फ्राई करना है ताकि प्याज बहुत ही अच्छे से पक जाए। अगर प्याज अच्छे से नहीं पकेगा तो फिर आप इसे ज़्यादा दिन के लिए स्टोर नहीं कर पाओगे, इसलिए प्याज का पकना अच्छे से ज़रूरी है। इसी बीच हम यहाँ पर डाल देंगे 1 टेबल स्पून मसाला जो हमने कोर्स पाउडर में बना के रखे थे। तो मसाला अगर ज़्यादा है तो आप इसे रख सकते हैं और बाकी के दूसरे सब्जी में इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही हम यहाँ पे स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे और इसे भी हम मिक्स करते हुए लो फ्लेम में प्याज के साथ पकाएंगे। दो मिनट फ्राई करने के बाद अब मैंने यहाँ पे 2 से 3 टीस्पून पानी ले लिया था जार में, और उसके मसाले को मिक्स करके हम इसमें ऐड कर देंगे ताकि चटनी की कंसिस्टेंसी जो है वो ठीक हो जाए। पहले ये गाढ़ी थी, अब इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो ठीक हो जाएगी। इसे हम लो फ्लेम में और फ्राई करेंगे। इसी बीच हम यहाँ पर डाल देंगे थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, अगर आपको तीखा नहीं चाहिए तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, और फिर इसे और 2-3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। फ्लेम को लो रखेंगे, हम इसे तब तक फ्राई करेंगे जब तक मसालों से तेल जो है वो सेपरेट ना हो जाए, और फ्लेम को हमेशा लो रखेंगे। यहाँ पे तेल जो है सेपरेट हो चुका है मसालों से, और चटनी में बहुत ही अच्छा सा ग्लेज भी आ गया, और आप कलर भी देख सकते हैं कि बहुत खूबसूरत कलर आया है। तब हम यहाँ पे गैस स्टोव को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे, तभी हम इसे स्टोर करेंगे, नहीं तो चटनी खराब हो जाएगा। तो प्याज की चटनी बनकर बिल्कुल तैयार है, बट हम इसे ठंडा होने देंगे और इसे ध्यान से ठंडा होने के बाद ही स्टोर करेंगे, नहीं तो खराब हो जाएगी। तो प्याज की चटनी बनकर बिल्कुल तैयार है, आप इसे सर्व कर सकते हैं समोसे के साथ, या फिर स्टफ्ड पराठे के साथ, या फिर दाल राइस के साथ, या आप इसे टॉर्टिला या फिर चिप्स के साथ भी खा सकते हैं। तो दोस्तों, मेरी रेसिपी अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और फैमिली फ्रेंड्स से शेयर करें। थैंक यू, हैप्पी क्रिसमस।